की छुट्टी है, तो इसमें इंशाल्लाह ये है कि बॉडी को फुल रेस्ट दिया जाए और पीएसएल में ये सारे लोग इंशाल्लाह फिर से देखेंगे, और सबसे जरूरी है कि पाकिस्तान टीम में वो पेस वापस आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा एक यूजर नेम है डबल एक्सक्लेमेशन मार्क, इनके दो सवाल थे। एक तो ये कि इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं, ठीक है, कैसा फील होता है? दूसरा ये कि आपकी लाइफ का बिगेस्ट ड्रीम इस वक्त क्या है? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना भी और कप्तानी करना भी ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी और मेरी फैमिली के लिए ऑनर की बात है कि मैं पाकिस्तान टीम को तो पहले रिप्रेजेंट किया एज अ प्लेयर और अभी कैप्टन हूँ, तो ये आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है काफ़ी बड़ी पूरे मुल्क की है, और आई थिंक मेरी कोशिश यही होगी कि मैं पाकिस्तान के लिए जितना भी खेलूँ और फख्र से खेलूँ और पाकिस्तान को हमेशा प्राउड करूँ इंशाल्लाह। और योर बिगेस्ट ड्रीम ऑफ योर लाइफ? बिगेस्ट ड्रीम ये है कि वर्ल्ड कप को जीते हुए बहुत टाइम हो गया, तो ये अब वर्ल्ड कप का टाइम है और हमने इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतना है एज अ नेशन इंशाल्लाह। अच्छा थोड़ा हिस्ट्री पे जाते हैं कि जो हमारे फ्रेंड हैं उनको भी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आपके वालिद साहब ने पाकिस्तान के लिए काफी कुर्बानियां दी थी, वैसे दी हैं, उसके उन कुर्बानियों के बारे में जरा बताएं और उसका कितना इम्पैक्ट हुआ, कितना इफेक्ट पड़ा आपकी ओवरऑल लाइफ के ऊपर? वालिद साहब बिल्कुल वालिद साहब पहले तो हम फाटा उसमें नहीं था ना मर्ज में अभी है, तो अबू पहले एक वो थे सादा सिपाही थे, तो फिर उनके बाद उनकी तरक्की हुई, वो फिर सूबेदार बने, बट उस टाइम पीरियड में आई थिंक अबू ने बहुत स्ट्रगल किया है, हम पूरी फैमिली ने दो तीन अबू पे ब्लास्ट भी हुए जिसमें वो जख्मी भी हुए, तो आई थिंक वो बहुत ही मुश्किल हालात आप कह सकते हैं कि जब जाहिर सी बात है आपके सामने कोई ऐसी चीज हो फैमिली पे, तो बहुत टफ टाइम था आई थिंक हम पूरी फैमिली के लिए, और अल्लाह ताला ये टाइम किसी पे ना लेके आए, और मेरी सबके लिए यही दुआ है कि खुश रहे और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखे क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा सरमाया है इंशाल्लाह। अच्छा ज़ारा 56 और अब्दुल्ला, इन दोनों के मिलते जुलते सवाल थे, और ये सवाल काफी लोगों ने पूछा था कि मोहम्मद हारिस को रिसेंटली सीरीज में पाकिस्तान टीम ने रेस्ट कराया था, तो हारिस के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं और वो वर्ल्ड कप के प्लान्स में है या नहीं? वर्ल्ड कप के प्लान्स में जाहिर भी बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। नहीं 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 हारिस एक बहुत ही अच्छा लड़का है और आई थिंक उसने काफी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान टीम के लिए, और वो कभी भी प्लान से हटा नहीं है, लेकिन आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाना चाहिए टीम का, दुनिया की सारी भी जितनी भी टीमें हैं उनकी आप देखें कि एक दो तीन टीमें खेलती है एक टाइम पे, तो हमें भी हमारे पाकिस्तान की ऐसी टीम बनानी चाहिए कि वो वनडे टी ट्वेंटी और टेस्ट वो सारे डिफरेंट डिफरेंट खिलाड़ी हो, और हारिस हमेशा इस टीम का हिस्सा है जितने भी लड़के हैं, इवन अभी तो अंडर 19 के नए बच्चे आ रहे हैं वो भी आपको इंशाल्लाह, तो हमारा फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह नए बच्चों का काफी ब्राइट है, और उम्मीद है कि ये सारे बच्चे पाकिस्तान को अच्छा सा और लंबा रिप्रेजेंट करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा स्काई यूजर नेम है, इन्होंने पूछा है कि अभी रिसेंटली हमने ओपनिंग पेयर चेंजेस भी देखे सीरीज में, तो ओपनिंग पेयर चेंजेस के ऊपर क्या ख्याल आते हैं आपके एज अ कैप्टन? ओपनिंग चेंजिंग देखिए आपको जब कोई चेंजिंग करनी होती है, क्योंकि हमारा अगर आप देखे बीच में हम काफी स्ट्रगल किया हुआ है, थोड़ा सा दरमियान में हम अच्छी कभी नहीं खेले क्रिकेट, और फिर आपको कुछ ऐसे चेंजिंग करनी होती है जिससे आपकी टीम में बैलेंस आए, तो सिर्फ इसी पे जहन था कि यार इसको बैलेंस किया जाए और टीम के लिए, क्योंकि हम सारे जितने भी हम 24-25 करोड़ जो हमारी आवाम है वो सब हमसे उम्मीदें लेके बैठी है कि हमारी टीम अच्छा करेगी, और हम कोशिश यही करते हैं कि एज अ टीम और ये एक फैमिली है कि हम अपना क्या बेस्ट दे सके, और सारे लड़के भी जो है जिससे भी जब भी बात किए सारे लड़कों ने हाथ उठाया कि हम अब जो भी टीम के लिए अच्छा हो सकता है और हम वो करेंगे
इंशाल्लाह। अच्छा, जुबैर शकील वनी ने याद दहानी कराई है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2021 का जो आपका स्पेल था जिसमें नासिर हुसैन साहब के भी काफी फेमस कोट है, दे कैन नॉट प्ले, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? और उस ओवर करने से पहले, उसे उस मैच से एक रात पहले, चूंकि वो आपको शायद गलत फर्स्ट मैच था वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया, और हम जीते नहीं थे इंडिया से कभी भी वर्ल्ड कप में, तो जब मैच होता है और आप जीते भी ना हो तो उसका प्रेशर तो होता है, और इंडिया पाकिस्तान मैच का हमेशा ही हाइब्रिड होती है, और जो जितने भी लोग हैं उस बहुत शौक से देखते हैं। हमेशा से जिन्होंने भी इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस किए, मैं सबसे बात करता हूँ, जितने भी सीनियर्स होते हैं हमेशा मैं उनसे मशवरा लेता हूँ। लाला को कॉल वगैरह मैंने की थी, उनसे काफी एडवाइस दी थी, उन्होंने काफी अच्छे से गाइड किया था। मेरा ये था कि यार शुएब भाई, हफीज भाई, वो बहुत वर्ल्ड कप वगैरह मैचेस खेले, वो इंडिया से मैचेस वैसे सीरीज वगैरह तो बहुत जीते, लेकिन वर्ल्ड कप में हम नहीं जीते थे, लेकिन ये था कि यार अगर ये मैच हम जीते और इसमें अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो आई थिंक यही था सारे लड़कों का। एक तो ये कि टीम हमेशा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जल रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली रही है, और इंशाल्लाह इसी प्रोसेस को हमने आगे बढ़ाना है और पाकिस्तान के लिए मिलकर परफॉर्मेंस करनी है। तो यह था कि यार अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है और अपनी फुल एफर्ट देनी है इस मैच में, तो लड़कों ने कोशिश की है, अल्लाह ताला ने रिजल्ट दिया हमारी टीम को, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोहम्मद फैजान पूछते हैं, सेकेंड बेस्ट टीम इन PSL कलंदर्स के बाद, ऑब्वियसली कलंदर्स के बाद सेकेंड बेस्ट, अभी अगर हम देखें तो मुल्तान ही, क्योंकि दो तीन दफा फाइनल के लिए और जीती भी है, सारी टीमें अच्छी है, लेकिन अगर आप उसके हिसाब से देखें फाइनल के हिसाब से, तो वो रिसेंटली 3-4 सीजन में मुसलसल अच्छा के लिए, तो फिर आप मुल्तान को ही कंसिडर कर सकते, बाकी टीमें तो सारी अच्छी है, क्योंकि सारी टीमों में सबसे बेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं आई थिंक वर्ल्ड के। अच्छा, करंजर्स की बात निकली तो मुझे याद आया, करंजर्स का फर्स्ट सीजन था आपका, और ये कोई स्टोरी थी कि आपने पैसे वापस कर दिए थे टीम मैनेजमेंट को, ऐसी कोई बात याद पड़ती है आपको, तो उसकी स्टोरी जरा। मैं 2018 में, जब 2018 में मुझे लाहौर कलंदर ने सिलेक्ट किया आके भाई ने, तो मैं उस टाइम समीन भाई को तो नहीं जानता था, समीन भाई ने मेरे इंटरव्यू भी किया था, समीन भाई बाय द वे अगर किसी को नहीं पता मैं बताऊं, वो हमारी टीम के ओनर है, तो मुझे लगा कि एक कोई मीडिया वाला है और वो मेरा इंटरव्यू कर रहा है, जब मैं जा रहा था तो उनसे कहा था कि जो उनके भाई हैं, मैंने कहा वो कहाँ पे हैं, तो मैंने उनसे कहा मैं, तो ये कोई इतनी बड़ी स्टोरी नहीं थी, बट जाहिर सी बात है उसमें ये था कि समीन भाई को मैं नहीं जानता था, समीन मुझे लगा कि ये मीडिया मैनेजर है कुछ टीम के, तो उनसे मेरी बात हुई थी। ठीक है, अच्छा रेहाम पूछते हैं, बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड बाबर। हम दोनों भाई हैं और बॉब जी मुझसे उम्र में बहुत उनसे बड़े हैं, और हमेशा मैंने उसकी हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भाई की तरह करते हैं, जैसे मैं अपने बड़े भाई रियाज भाई से मशवरा करता हूँ, वैसे बाबर से भी करता हूँ, और बॉब जी की कप्तानी में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने काफ़ी अच्छे से खेला है और बहुत सक्सेस मिली है, और आई थिंक बॉब जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है टीम में, और उसने हमेशा यंगस्टर को सपोर्ट किया है, और हमारी रिलेशनशिप ये है कि हम पाकिस्तान के लिए एक तीर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्रिकेट नर्ड का भी एक सवाल है, बड़ा सा टेक्निकल सा सवाल है, वो कह रहे हैं अभी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत देख भी रहे होंगे, तो उन्होंने पूछा कि हमारी जब नेक्स्ट सीरीज इंग्लैंड से होगी तो उसमें जैसे अभी करंटली इंग्लैंड वाले स्वीप्स और रिवर्स स्वीप्स का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ द टीम, आपके जहन में आप इंग्लैंड के खिलाफ कैसे प्लान आउट करेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के लिए? नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के लिए मुझे तो ऑनेस्टली अभी तो मैंने क्योंकि उनके मैचेस इतने फॉलो नहीं किए, बट जाहिर सी बात थोड़ा सा उसे ही देखे, गूगल है स्कोर्स वगैरह देखे, मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया, बट जब टाइम आएगा इंशाल्लाह हमारी टीम स्ट्रांग है टेस्ट की भी, और हमारे टेस्ट के प्लेयर भी काफी अच्छा खेले, हम रिसेंटली रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिले बट हमने ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छी सीरीज खेली है, इंशाल्लाह अभी उसके लिए टाइम है लेकिन इंशाल्लाह हम उनसे अच्छे प्रिपेयर होंगे सीरीज के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद मौविया ने पूछा है, मोहम्मद आमिर के साथ आपने अभी बॉलिंग शेयर की IL T20 में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपके मोहम्मद आमिर के लिए थॉट, मतलब ये दो सवाल मर्ज कर रहा हूँ मैं, एक मोहम्मद माविया ने पूछा है बॉलिंग विद मोहम्मद आमिर इन IL T20, और शेरियार अजहर ने पूछा है कि मोहम्मद आमिर के बारे में आपके ख्यालात, और क्या आप उनको कन्विंस करेंगे कि वो रिटायरमेंट वापस लेके पाकिस्तान टीम के लिए दोबारा से पेश हों और पाकिस्तान में पार्ट बने। काफी काफी अच्छा रहा आमिर के साथ बॉलिंग करते हुए, तकरीबन हम कोई पता नहीं 1200 कितने दिन, 5 साल बाद हम दोनों ने बॉलिंग की। मैं 2019 में जब मैं पाकिस्तान टीम में के साथ था वर्ल्ड कप में, तो उस टाइम मैंने और मैंने बॉलिंग की थी, उसके बाद हमने एक ही टीम में बॉलिंग की, हम उससे पहले अगेंस्ट खेले हैं लेकिन पहले कभी एक साथ नहीं खेले, उसके बाद वो पाकिस्तान टीम के बाद काफी अच्छा लगा हमारी, इसमें भी यही IL T20 में भी यही कोशिश थी कि एक दूसरे को हम बताएं कि अगर मैं पहला ओवर कर रहा हूँ तो मैं आमिर को बताऊँ, अगर वो कर रहे हैं मैं वो मुझे बताएं, तो आई थिंक जो हमारा पार्टनरशिप का वो था बहुत अच्छा रहा, और आपको हमेशा जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप होती है आपको बॉलिंग में भी पार्टनरशिप चाहिए, और आपको एक अच्छा बॉलिंग पार्टनर चाहिए होता है जो नए बॉल के साथ अच्छा बॉलिंग करता हो, तो आमिर के साथ काफी अच्छा रहा, गुड जो हमारे टूर्नामेंट वो था उसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद साथ में बॉलिंग भी की थी और अच्छा भी लगा एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। ठीक है, और एज अ कैप्टन क्या बात करेंगे उनसे कि वो टाइमिंग के बारे में कुछ सोचे? ऑफ कोर्स अगर आमिर सोचेगा तो जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट जेजे, यूजर नेम है इनका, इन्होंने पूछा है फेवरेट फॉर्मेट। फेवरेट फॉर्मेट टेस्ट मैचेस, टेस्ट क्रिकेट, सही है। अच्छा, अहमद ने पूछा है फनीएस्ट क्रिकेट मेमोरी। फनीएस्ट क्रिकेट मेमोरी यार ऐसा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ एक हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, मैच खेले थे पिंक बॉल का, तो मुझसे पूरा बॉल ही मिस हो गया था, मैं दूसरी तरफ पे भाग गया था, तो वो मैं कह सकता हूँ कि वो ही था कि 2019 में आई थिंक सो हम खेल रहे थे कि 2020 में, तो उस टाइम ये था कि मुझसे पूरा बॉल ही मिस हो गया था। ठीक है, अच्छा रमीन खान पूछते हैं कि रिजवान भाई की लीडरशिप के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्योंकि आपने उनके केपी टीम में भी आप उनके अंडर में खेले हुए, तो उनकी लीडरशिप में क्या उनकी बात है आपको पसंद है? देखिए रिजी भाई तो क्योंकि पाकिस्तान के वाइस कैप्टन भी अभी है और उन्होंने बॉब्सी के साथ भी काफी हेल्प किया है थ्रू आउट, और आपको सीनियर प्लेयर्स आपको हमेशा अपनी टीम में चाहिए होते हैं कि वो आपको मशवरे अच्छे दे, और वो मशवरे की टीम के काम है, तो रिजी भाई के साथ जो मैं केपी से भी खेल रहा था तो उनके कैप्टनसी में मुझे काफी अच्छा लगा, उनके पास काफी नॉलेज है और वो गेम से गेम को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अच्छा हमजा ने पूछा है टारगेट्स एज पाकिस्तान कैप्टन। टारगेट्स यही है यार कि मतलब जितने भी हम पाकिस्तान के लिए मैचेस जिताए एज अ टीम, तो आई थिंक हम थोड़े से क्लैप्स करें कुछ एरियाज में, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस एरियाज को जल्दी फिल करें, और जो अभी फोकस है वो वर्ल्ड कप ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इनफाल चौधरी और जहरा का सेम सवाल है, योर ड्रीम विकेट। माय ड्रीम विकेट, विकेट्स तो सारी आई थिंक जो पहले नंबर वाला होता है 11 वाला वो सब विकेट ही है, तो लेकिन अगर आप किसी बड़े प्लेयर का पूछे तो वही केएल राहुल वाले जो 2021 में आउट किया था वो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, रोहित शर्मा वाला, और
यही आप 2 विकेट कह, विराट कोहली भी आप उसमें कह सकते हैं जो 3 विकेट थी, वो आप कह सकते हैं ड्रीम तो नहीं लेकिन वो एक एक बड़े मैच की बड़ी विकेट थी। ठीक है, अच्छा फील्ड और फील्ड से बाहर कब रोए? मैंने तो ये बहुत जगह कहा है कि क्रिकेट थोड़ी हंसाती है, क्रिकेट तो रुलाती ज्यादा है, और ये एक मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एक हकीकत है कि हम क्रिकेट लाइफ ऐसे ही है कि हम एक जैसे T20 की मिसाल लूँ, एक दिन आप अच्छा खेलते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब नेक्स्ट डे मैच होते हैं आप हारते हैं तो आपको बहुत हार्ट करता है। तो क्रिकेट एक फनी गेम है, उसमें आप कभी हंसते नहीं है बहुत जल्दी चीजें चेंज हो जाती। अच्छा, और फील्ड से बाहर कब रोए, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट आएगा? फील्ड से बाहर वही जब अबू पे अटैक हुए थे, ब्लास्ट वगैरह, तो क्योंकि अबू पुलिस में वो थे, सूबेदार थे, तो उस टाइम काफी हर्ट हुआ। अच्छा, हेजी हेयर 10 यूजर नेम है इनका। यार एक तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि कभी क्वेश्चन अगर करें भी तो यूजर नेम थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया करें क्योंकि वो फिर थोड़ा उसको स्पेसिफाई करने में मुश्किल हो जाता है। इन्होंने बेसिकली रिक्वेस्ट किया आपसे कि प्लीज बाउंड्री पे डाइव ना मारा करें, हमें हार्ट अटैक आ जाता है। बाउंड्री पे मैंने शुरू में भी ये कहा कि मैं जब अंदर जाता हूँ मेरी यही कोशिश होती है कि मैं, मुझे जितनी भी चीजें आती हैं मैं अंदर करूं, और जब मैं बाहर आऊं कि मेरे दिल में कोई ये ना आए कि मैंने किसी चीज से हाथ खींचा हो या कुछ। तो इवन वो जिस चीज का भी मैच हो, पाकिस्तान का हो, डोमेस्टिक का हो, जो भी हो, लेकिन अपनी कोशिश हमेशा करता हूँ कि अपना बेस्ट दे सकूं। अच्छा, इन्हीं का सवाल है कि आप ब्लैक कलर बहुत पहनते हैं। ब्लैक कलर? ठीक है जी, आजकल इसलिए पहनता हूँ कि सर्दी है तो इसलिए वैसे ब्लैक और व्हाइट अच्छा लगता है, तो इसलिए तो नहीं पहनूंगा। अगर तो किसी को बुरा लगता है तो वो छोड़ दूंगा, वो भी कोई और कलर है तो भेज दो। अच्छा, हसन जाहिद पूछते हैं कि आपकी कुकिंग स्किल्स कैसी हैं? कुकिंग यार इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी को और फिर अपने सारी फैमिली को कह रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ग्रीन टी काफी अच्छे से बना सकता हूँ। चले, मैं पीऊंगा इंशाल्लाह भी आगे। अच्छा, मिशाल पूछती है कि हारिस रऊफ अक्सर अपने बाल को जाते हैं बहुत ज्यादा फील्ड पे भी, तो कभी उन्होंने हेयर डैमेज रिपेयर शैम्पू के बारे में पूछा है आपसे? हारिस रऊफ को हम यही कहते हैं जब वो बॉलिंग शुरू करते हैं कि यार अपने बालों को ना पकड़ा करो, बेचारे बालों का क्या गुण है, रन वो खाते हैं और बाल वो अपने सारे निकाल गया। लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको कोई शैम्पू वगैरह हम बताएं कि यार ये यूज करें। ठीक है, अच्छा अरीबा ने पूछा है, ये भी थोड़ा ट्रिकी सा सवाल है, नसीम या फिर आमिर सामने वाले? अब दोनों बहुत बड़े स्किल फुटबॉलर है, दोनों अपनी जगह में, और दोनों में से एक को ये सवाल तो आवाम, जवाब तो आवाम ही देगी इसका, क्योंकि इसमें तो मैं डाउटफुल, दोनों स्किलफुल बेस्ट बॉलर है और दोनों पे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। आमिर को उसके पास कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है और नसीम अभी खेल रहा है, अनफॉर्चुनेटली उसको थोड़ा सी इंजरी हुई थी लेकिन ही इज रिकवर वेल इंशाल्लाह और वो आप जल्दी एक्शन में होगा, बट दोनों बेस्ट स्किल फुटबॉलर हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, लबीद पूछते हैं आपका फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड? मेरा फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स। लॉर्ड्स, ठीक है। जोहा ने पूछा है कि आपकी फेवरेट पाकिस्तान टीम मेमोरी अंडर बाबर्स कैप्टेंसी? फेवरेट होम में जब हम साउथ अफ्रीका से टेस्ट जीते हैं पिंडी में, 2021 वर्ल्ड कप में इंडिया से जीते हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं जितने भी हम जीते हैं वो बेस्ट मेमोरीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जीनत ने पूछा है किसी एक उस खास आदमी का नाम जिसने आपको हमेशा बैक किया हो, मोटिवेट किया हो आपके वर्स्ट फेस पे आपके करियर के दौरान, जैसे कभी आपको इंजरी हो गई हो या कभी आप पे बहुत ज्यादा अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हो रहा है या आपको फील होता है कि ये यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया, उस मोमेंट पे आपके साथ कौन खड़ा होता है? आई थिंक उस मोमेंट में ये इसका जवाब तो मेरे खास यही है कि मैं, क्योंकि मैं क्रिकेट को पसंद भी करता हूँ, शौक है, मैंने हमेशा
कोशिश की है कि पाकिस्तान को ही देख के आगे मूव फॉरवर्ड करूँ, लेकिन वालिदैन की दुआ तो हमेशा होती है, उनको हमेशा सपोर्ट तो होती है, बट कंट्री फर्स्ट, और इसको जब आप सामने लेके आते हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, लाला से पहली मुलाकात कब हुई थी? लाला से पहली मुलाकात कब हुई थी? क्योंकि हमारी फैमिली वो थे पहले से, रियाज भाई के दोस्त लाला रह चुके हैं, और उनके थ्रू ही पहली मुलाकात हुई थी जब वो उनसे मिलने गए थे उनके घर। ठीक है। अच्छा, मिस्टर कैप्टन यूजर नेम है, इन्होंने पूछा है कि विच रिकॉर्ड एज अ बॉलर यू वुड वांट टू अचीव? अभी ऐसा कोई सोचा तो नहीं है, छोटे छोटे गोल ही है कि यार एट अ टाइम क्या चीज आ रही है, क्या खेलना है उस हिसाब से, बट आपको हमेशा ये होता है कि आप जो आपके यू नो जो जिन्होंने टॉप किया है विक्टो में पाकिस्तान की तरफ से या वर्ल्ड में, उनको आप बीट नहीं, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि यार परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा आप उनके लेवल पे आ जाए, बट हमेशा ये कोशिश है कि इधर टाइम सोचा जाए और प्रेजेंट मोमेंट को जितना एंजॉय कर सकते वो करें। ठीक है। मलाइका ने पूछा है योर ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन। माय ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं किसका नाम लूं किसका ना लूं लेकिन ऑफ कोर्स ऑल टाइम की बात करें चीजें आसान हो जाती है। बाबर एंड फखर। ठीक है। अच्छा, अरवा ने पूछा है योर फेवरेट लीग आफ्टर पीएसएल। फेवरेट लीग आफ्टर, यार लीग वगैरह तो मैं काउंटी खेला हूँ और अभी ये IL T20 खेला हूँ, बाकी तो मैं किसी लीग में नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ यही पीएसएल ही खेला हूँ, और ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं बोलूँ अच्छा हमारी लीग सबसे अच्छी है, लेकिन अगर आप करते तो ये IL T20 भी मुझे काफी अच्छी लगी, क्रिकेट वाइज आप काफी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, खुर्रम ने पूछा है कि अभी पाकिस्तान अंडर-19 टीम माशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच गई है, तो उसके जो पेस अटैकर्स और लीडर्स हैं, इसमें बहुत एक प्रोमिनेंट नेम मिस्टर उबैद शाह का है, तो उनके लिए कोई मैसेज? सॉरी से अगेन, सवाल फिर करें। कह रहा हूँ अभी पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल रही है, उसमें हमारी बॉलिंग यूनिट की जो बहुत प्रोमिनेंट नेम इस वक्त है, वो उनका नाम है उबैद शाह। तीन शाह, तीन शाह, उबैद, उबैद नहीं, मैं तीन शाह, तीन शाह, और आई थिंक उबैद जैसे बॉलिंग कर रहा है अभी इस टाइम पाकिस्तान के लिए, लास्ट मैच भी जो जैसे उसमें 5 रन लिए हैं, तो ये जैसे मैंने कहा देखो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है माशाल्लाह, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक तो हमेशा ही अच्छी रही है, हमेशा हमारे पास अच्छे बॉलर आए, लेकिन तीनों भाई जैसे अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, नसीम हो गया, उबैद हो गया और हुनैन हो गए, तो माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये तीनों एक साथ पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और वो बहुत स्किलफुल बॉलर है उबैद भी, और होपफुल कि वो फिट रहे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जल्दी करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक और सवाल था कि जैसे कहा जाता है हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो हमारी भाभी का क्या किरदार है आपकी जिंदगी में, वो कैसे मोटिवेट करती हैं आपको जब आपके कोई क्रूशियल मैचेस वगैरह होते हैं? मेरे शादी का तो 1 साल हो गया उससे पहले भी तो मैं क्रिकेट खेलता था जाहिर भाई लेकिन जाहिर से मैंने जैसे कहा कि आपको लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, और अल्लाह ताला ने काफी अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, और शी ऑलवेज सपोर्ट मी, हेल्प मी, और आई थिंक या इतना ही कह सकता हूँ, उससे पहले भी तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अक्सा ने पूछा है कि अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते और क्यों? क्रिकेटर ना होता तो क्या होता? यार क्रिकेट मैं वैसे स्पोर्ट्स वगैरह तो खेलता हूँ, वॉलीबॉल और फुटबॉल, बट इतना खास अच्छा नहीं था उसमें, क्रिकेटर ना कभी सोचे नहीं क्रिकेट के अलावा कुछ कुछ होता है या क्या। ठीक है। अच्छा, प्राउड PCT फैन पूछते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाई के दौरान। वाओ, ये किससे सवाल पूछा आपने, पढ़ाई पढ़ाई में इतना खास इंटरेस्ट नहीं रहा लेकिन सबको रखना चाहिए, वैसे इतना खास मेरा नहीं था लेकिन आप लोगों को रखना चाहिए।
अमरीन शेख पूछती हैं, कौन सा मैच था जिसने बिल्कुल तोड़ दिया आपको? कौन सा मैच था जिसने तोड़ दिया? ना याद दिला यार, 2021 का वही सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आई थिंक वो काफी पेनफुल था। मैं अपने लिए भी कह सकता हूँ, पूरे टीम के लिए, पूरे मुल्क के लिए। वो एक अजीब सी, वो मैच जितनी जल्दी बुला सके तो अच्छा है। आई थिंक कोशिश यही है कि यार वो जो गलती हुई वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में ना, इंशाल्लाह। अच्छा, साहा ने पूछा है कि आज तक जितने भी पाकिस्तान के कैप्टन्स रहे उनमें से फेवरेट कौन है? मेजबा भाई काफी अच्छे, और मेजबा भाई, सैफी भाई, बॉब्जी के कप्तानी में ऑफकोर्स खेला हूँ, तो ये तीन मैं कह सकता हूँ। यूनुस भाई, चार ऐसे कैप्टन। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, टाइम भी वैसे काफी हो गया बॉस, हमने एक घंटे का सोचा था, टाइम उससे ऊपर ही हो गया। जाते जाते आप खुद ही बता दें कि दोबारा आप कब कर दोबारा स्पेस में आएंगे, कब टाइम मिलेगा आपको दोबारा इंशाल्लाह? जरूर जरूर बता दीजिएगा, मैं आऊंगा। जब भी किसी के सवाल होंगे तो ऑलवेज सवाल के जवाब के लिए हम हैं, और आपकी सपोर्ट ही हमें चाहिए हमेशा, और आपके सवाल जब होंगे और आपके जब जवाब के लिए, मतलब जो आपके सवाल होंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम एज अ टीम भी वो कोशिश करें कि वो गलतियां ना करें, और कोशिश करेंगे क्योंकि बाहर से देखने में ही आप लोगों को ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि हम जब अंदर खेलते हैं शायद हमें उतनी वो नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा, लेकिन जरूर सवाल करें, जो भी आपके वो है सवाल करें, उनसे पूछे, हमसे पूछे, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। और मैं एक चीज है कि प्लीज क्रिकेट पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करें, और हम सब एक फैमिली है, इस फैमिली में कभी ना किसी से लड़ाई हुई है, ना कोई करता है, और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जितना आप लोग इस टीम को सपोर्ट करेंगे उतनी पाकिस्तान क्रिकेट अच्छे से खेलती रहेगी, और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको आप सब ने ही ख़त्म करना है, ऐसे कोई चीज़ नहीं है क्रिकेट पाकिस्तान टीम में, और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सब भाई हैं, और हम सबको दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। अच्छा, जाते जाते, क्योंकि इस वक्त हम सबको ही पता है कि पाकिस्तान पे थोड़े मुश्किल वक्त चल रहा है, थोड़े मुश्किल हालात हैं, तो यूथ के लिए आपका क्या मैसेज होगा और आप कैसे मोटिवेट करेंगे जितने भी नौजवान हैं इस वक्त? यूथ हमारी यूथ ही तो हमारा मुस्तकबिल है, और इसी में तो सारे आएंगे, कोई क्रिकेटर बनेगा, किसी कोई पाकिस्तान को किस चीज में रिप्रेजेंट करेगा, बट मेक श्योर जब भी आपने कुछ भी करना है तो बहुत फख्र से करें, और पहली चीज हमेशा आनी चाहिए पाकिस्तान, और फिर आप आने चाहिए, पाकिस्तान के लिए पहले सोचें, फिर आप अपने लिए सोचें, क्योंकि प्राउड से करें जो भी काम कर रहे हैं, और एक दूसरे को जो आपके लेफ्ट राइट है उनकी हेल्प करें, और आई थिंक जितने आप भाइयों की तरह रह सकते हैं उतना रहें, और सपोर्ट करें एक दूसरे को। बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शाहीन, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है दोबारा। थैंक यू, सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।